हेलो एवरीवन, आप सभी को ये चैनल में स्वागत है और मैं हूँ एनी। और एक्चुअली आज हम लोग एक टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अबाउट कोरोना वायरस। जिससे जिस तरीके से फैल रहा है, तो हाल ही में एक खबर आया है कि जितने भी लोग निजामुद्दीन मार्कस में था दिल्ली में, तो उसी से ज़्यादातर ज़्यादा लोगों में फैल रहा है ये वायरस उसी के थ्रू से। तो वही टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, क्या था, क्या कैसे हो गया, वो सब के ऊपर। और अभी हम वापस इस टॉपिक में आते हैं, ये तबलीगी जमात है क्या, एक्चुअली ये होता क्या है। ये 1926 में फाउंड किया गया था और इसका प्रिंसिपल है गेटिंग मुस्लिम टू रिटर्न टू द वेज ऑफ द फेथ एज प्रैक्टिस्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। ये लोग का प्रिंसिपल है और अब स्क्रीन में मैं दे चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। और एक्चुअली में ये दिल्ली में हुआ क्या था, और ये लोग तबलीग के जमात के लिए निजामुद्दीन मार्कस में गैदर हुआ था, और ये लोग का जो नंबर है वो अराउंड था 3400 पीपल वहाँ पे गैदर हुआ था। उसके बाद जो ये लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो 13 मार्च से 15 मार्च तक ख़त्म होने वाला था। पर 16 मार्च को जब केजरीवाल ने अनाउंसमेंट दिया कि आप 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद नहीं रह सकता है एक जगह में, तो ये जब अनाउंसमेंट कर दिया है, फिर भी तब तक वो लोग का जो वहाँ पे नंबर्स था वो अराउंड 2000 आदमी अभी भी वो निजामुद्दीन मार्कस में रह रहा था, वो लोग खाली नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद और दिल्ली पुलिस लोग आया, फिर ये कुछ नोटिस दिया आप लोग खाली कीजिए, फिर भी वो लोग ये नहीं मान रहा था, वो लोग उल्टा जवाब दे रहा था, नहीं हम लोग नया आदमी लोग यहाँ पे आने के लिए नहीं दिया, ऐसा कुछ रिप्लाई दे रहा था। तो ये सब को लेके अभी कुछ केसेस चल रहा है, तो वायलेंस का कुछ केसेस चल रहा है वो लोग के ऊपर, वो लोग लॉ फॉलो नहीं किया है, जो ऑर्डर आया था वो लोग फॉलो नहीं किया है, तो इसी के ऊपर थोड़ा बहुत क्या केसेस वेसेस लग सकते। 10 इंडोनेशियंस जिन्होंने अटेंड किया था दिल्ली में, ये वो लोग पॉजिटिव निकला है इन तेलंगाना। वैसे श्रीनगर से एक आदमी 52 ईयर्स, ही डाइड बिकॉज ही अटेंड दिस तबलीगी जमात इन दिल्ली। तो ऐसे ही दुनिया भर से केसेस बाहर आ रहे हैं। तो अभी तक जैसे कि आपको पता है, इंडिया का हर जगह से, हर स्टेट से मिल ही रहा था, एक ना एक केस तो मिल ही रहा था, सब हर जगह में फैल चुका था। पर स्टिल नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट में अभी तक ये वायरस नहीं फैला था। बट अभी बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, स्पेशली असम में बहुत सारा केसेस बढ़ गया है। ये फर्स्ट केस था मिला हम लोगों को 31 मार्च, एक ही केस मिला था वो भी सिलचौर से। पर अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज का डेट में, आज आप सेकेंड अप्रैल है, अभी तक जो मिला है केसेस 16 केसेस मिल चुका है असम में। और पता नहीं ये केसेस कितना नंबर तक बढ़ते जाएगा वो हमें पता नहीं है। या अब सभी को अच्छे से रहना पड़ेगा, सभी को हाइजीन होना पड़ेगा, बाहर मत इतना निकलिए, इमरजेंसी नहीं होने से मत निकलिए, और हाँ बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट में ना पूरा अभी अरुणाचल में भी मिल गया है, अरुणाचल में भी एक केस तो मिल ही गया है, और मेघालय से भी ये जो तबलीगी जमात हुआ था वहाँ पे मेघालय से भी था, फिर असम से भी था, अरुणाचल में भी मिला है एक पॉजिटिव केस। जितने भी लोग ये तबलीगी जमात अटेंड किया था, प्लीज़ आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोऑपरेट विथ गवर्नमेंट। सो अभी नोटिस में जितना भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग अभी बी केयरफुल। अभी तक इतना नहीं मिला था पर अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बी केयरफुल, बी हाइजीन, अच्छा से रहिए, सेफ रहिए, बाहर इतना मत निकलिए, इमरजेंसी नहीं होने से मत निकलिए, और बाहर जाने से भी ना आप बहुत केयरफुली जाइए, मास्क लगा के जाइए, हाइजीन होके जाइए, हाइजीन होते रहिए। फिर आने का टाइम में, घर रिटर्न आने का टाइम में आप लोग वो कपड़ा वपड़ा एक्स्ट्रा करके रखिए, क्योंकि ये वायरस अभी फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इंडिया में बहुत केसेस निकल के आ रहे हैं, बहुत फैल गया है। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग बी सेफ एट होम। और हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो सब्सक्राइब करना,
और जो साइड में है बेल आइकन उसे भी दबा देना। और हाँ, आप लोगों का क्या राय है वो भी मुझे शेयर कीजिए। आप लोगों का राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। यस गाइस, और हम लोग फिर मिलेंगे टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, लव यू, बी सेफ।